नमस्ते दोस्तों, केम छो बजामा। मैं संजय न्यू टेरेस गार्डनिंग एंड टॉक चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ये देखिए मेरा मनी प्लांट। तो आज मैं आपको गर्मियों में मनी प्लांट को एक पत्ती से, सिंगल पत्ती से कैसे ग्रो करते हैं वो सिखाऊंगा। मनी प्लांट को लगाना बहुत ही आसान है। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से लगाओगे तो 100% सक्सेसफुली आपके मनी प्लांट ग्रो हो जाएगा, और वो भी एक पत्ती से। तो आज हम सीखेंगे एक पत्ती से मनी प्लांट लगाना। तो किस तरह लगाना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम कटिंग ले लेते हैं मनी प्लांट की, और फिर मैं आपको सिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं कटिंग लेके आ गया हूँ मनी प्लांट की, और अब हम इसको सिंगल पत्ती में डिवाइड कर देंगे। एक एक पत्ती इसकी अलग कर देंगे, और सिंगल पत्ती से भी मनी प्लांट ग्रो हो जाता है, और वो मैं आपको सिखाऊंगा आज कि मनी प्लांट। ये देखिए ये ज़्यादा हिस्सा हो इसको ऐसे कट करके हटा दीजिए, और यहाँ से कट कीजिए। ये देखिए मनी प्लांट में आपको जगह जगह पे जहाँ पत्ती रहती है वहाँ पे ऐसे रूट निकली हुई दिखेगी। देखिए तो जो ये वाला हिस्सा है वो हमें बचाना है इस तरह, और जो ये बाकी का बीच वाला हिस्सा रहता है इसको काट करके हटा दीजिए, और यहाँ से ये कट कर दिया। तो ऐसे करके हमें सारी कटिंग तैयार कर लेनी है। ये देखिए यहाँ पे हमने जो सिंगल पत्तियाँ थी वो अलग कर ली है इस तरह से, और जो ज़्यादा हिस्सा था बीच वाला उसको कट करके हटा दिया है। ये देखिए अब आपको किस तरह ग्रो करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये देखिए इसके लिए मैंने जो मिट्टी ली है वो प्योर रिवर सैंड है, और उसमें जो चावल की भूसी आती है, जो चावल के छिलके दाने निकलने के बाद जो छिलके बचते हैं वो लिए हैं मैंने। रिवर सैंड में क्या होता है बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो कुछ नहीं करना ज़्यादा आपको, बस ऐसे मिट्टी में थोड़ा गड्ढा करना है और रख देना है कटिंग को इस तरह से। ऐसे ऐसे करके आपको सारी कटिंग पर ध्यान रहे, जो ये वाला हिस्सा है वो नहीं काटना है आपको, बस इसके साथ कड़े पत्ती को काटना है। तो वहाँ से क्या है कि रूट निकलती है और नई ब्रांच निकल के आती है मनी प्लांट में, तो इसीलिए तो इस तरह से हम सारी कटिंग लगा देंगे। ये देखिए हमने सारी कटिंग लगा दी है। अब ज़रूरी बात आती है इसमें कि हमें पानी देना है, अच्छे से वाटरिंग कर देना है, और उसको ऐसी जगह पे रखना है इसको थोड़ी सी भी धूप ना लगे, इसको नमी बनी रहे वैसी जगह पे रखना है। तो 100% सक्सेसफुली आपकी कटिंग ग्रो हो जाएगी। अगर आप दूसरे तरीके से ग्रो करना, जो पत्तियाँ हैं उसको किसी बाउल में या कटोरे में थोड़े से पत्थर रख दीजिए, इसके अंदर ये कटिंग रख के आप पानी डाल दीजिए तो भी ये कटिंग ग्रो हो जाती है। तो आपका और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो, और आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। और एक बात जरूरी आप ध्यान रखना कि इसको धूप में मत रखना, जब तक इसमें से नई नई ब्रांच निकल के ना आ जाए तब तक इसको थोड़ी सी भी धूप में नहीं रखना है, इसको शेड वाली जगह पे रखना है। ओके फ्रेंड्स, बाय।